आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताबी मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर मेजबान इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। सुपर ओवर टाई रहा, जिसके बाद ज्यादा बाउंड्री होने के चलते इंग्लैंड वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। यहां न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 241 रन बनाए और इंग्लैंड ने 50 ओवर में 10 विकेट पर 241 रन बनाए। चूंकि दोनों टीम्स का स्कोर बराबर था, लिहाजा सुपर ओवर हुआ। इसमें दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए। आखिर में मैच का फैसला बाउंड्री से हुआ। दोनों टीम्स ने 2-2 छक्के लगाए, लेकिन इंग्लैंड ने 22 और न्यूजीलैंड ने 14 चौके लगाए। इसके आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच हर मायने में ऐतिहासिक रहा। इंग्लैंड को जीतने के लिए न्यूजीलैंड ने 242 रनों की चुनौती दी थी, लेकिन बेन स्टोक्स के नाबाद 84 रन और जोस बटलर की 59 रनों की पारी के बाद इंग्लैंड 50 ओवर में 241 रनों पर ऑल आउट हो गई और दोनों टीम्स का स्कोर टाई रहा। सुपर ओवर में भी दोनों टीम्स ने एक बार फिर बराबर रन बनाए, जिससे मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया। इंग्लैंड को इस मैच में न्यूजीलैंड से ज्यादा बाउंड्रीज लगाने के कारण जीत मिली। न्यूजीलैंड की टीम ने कुल मिलाकर 17 बाउंड्रीज लगाई और इंग्लैंड ने 26 बाउंड्री बटोरी। इन बाउंड्री में 50 ओवर के साथ सुपर ओवर में लगाई गई बाउंड्री भी गिनी जाती हैं। तो आखिरी ओवर का रोमांच तीसरी गेंद पर और चौथी गेंद पर। साथ ही पहली गेंद की बात करें तो बोल्ट की पहली गेंद स्ट्रोक्स ने इस पर शॉट लगाया। दूसरी गेंद स्ट्रोक ने खेली, इस पर कोई रन नहीं बना। आखिरी का ये मैच बेहद रोमांचक रहा। तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगा, चौथी गेंद पर एक बार फिर 6 रन बने और इसके अलावा पांचवी गेंद, इसमें आदिल रशीद बिना गेंद